बस यहाँ से एक दो किलोमीटर दूर है प्रेम मंदिर, तो ऑलमोस्ट सो 4 बजे मैं निकल जाऊँगा, तो 4 बजे मैं अपना चेकआउट कर लूँगा और रूम कुछ ऐसा है। सो गाइस 3:55 हो गए और निकलता हूँ, ठीक है। ऑलराइट सो मैं निकल चुका हूँ, लिफ्ट बुला लेते हैं। सो गाइस प्रेम मंदिर में पहुँच चुका हूँ, सो गाइस वृंदावन में पहुँच चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 1:15। सो अभी वृंदावन में आ चुका हूँ, इस पर प्रेम मंदिर अब हम जाएंगे शाम को। फिलहाल देखता हूँ कोई होटल कुछ खा लेता हूँ, भूख वगैरह लगी हुई है। सो ये रास्ता जा रहा है, प्रेम मंदिर का ही रास्ता है, और अभी चलते हैं आगे थोड़ा और कहीं होटल देखते हैं। बस यहाँ से एक दो किलोमीटर दूर है प्रेम मंदिर, तो उसी के पास आसपास कोई होटल भी होगा तो वहीं रुक दूंगा थोड़ी देर के लिए। फ़ोन पे भी बैटरी कम है तो चार्ज कर लेंगे फ़ोन को, और फिर आपको मिलते हैं डायरेक्ट शाम को। सो गाइज मैंने 1 घंटे के लिए रूम लिया है और फ्रेश होके फिर 4 बजे निकल जूँगा। 3 बज गए हैं ऑलमोस्ट, सो 4 बजे मैं निकल जूँगा, तो 4 बजे मैं अपना चेकआउट कर लूँगा। और रूम कुछ ऐसा है, बहुत बढ़िया है, ये देखो ये बेड जो कि मैंने आते ही फैला दिया सामान। वॉशरूम दिखाता हूँ आपको, वॉशरूम भी बढ़िया है मेरा, साफ है एकदम, मैं थोड़ा नंगा हो रखा हूँ। सो वॉशरूम भी बढ़िया है, तो अभी मैं फ्रेश हो जाता हूँ पहले, ओके उसके बाद फिर निकलते हैं हम प्रेम मंदिर के लिए। सो गाइस 3:55 हो गए और निकलता हूँ, ठीक है, रेडी हो गया। बैग मैंने वापस से अपना सेट कर लिया, कोई सामान तो नहीं यहाँ पे छोटा, हाँ चार्जर रह गया, इसको बंद करो, इनका फैन भी ऑफ कर दो। लो जी धन्यवाद मेरे घंटे के लिए रूम देने के लिए। सो अब हम निकलते हैं यहाँ से, रखते हैं बैग में अपना चार्जर। बैग हो गया रेडी, चैन लग गई वापस से सारी, कोई सामान यहाँ पर रह गया तो नहीं, देख लेते हैं। चलो वापस चलते हैं। ऑलराइट सो टाटा बाय बाय, मिलेंगे बहुत जल्द दोबारा से। ऑलराइट सो मैं निकल चुका हूँ, लिफ्ट बुला लेते हैं और चलते हैं। ओके तो लिफ्ट आ चुकी है, हमको जाना है जी ग्राउंड फ्लोर पे। सो गाइस प्रेम मंदिर में पहुंच चुका हूं, अपना यहां पे प्रेम मंदिर के गेट पे मैं पहुंच चुका हूं। अब वहां से आगे पैदल निकलना है, तो अब आगे चलते। 4:30 हो गए हैं, 6:30 बजे तक वहां की लाइट चल जाएगी, तो उसी को देखने में मज़ा आएगा। बाकी मत्था मत्था टेकते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं, और अंदर मेरे को पता नहीं अंदर अलाउड है कि नहीं, बट मैंने प्रेम मंदिर के बाहर के साइड तो देखा है लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। क्या बात है भैया, बात करते हैं। ये लो जी प्रेम मंदिर की साइड, इधर इधर जाना है इस साइड। तो अभी मेरे को पहले कहाँ से निकलो, यहीं से निकलते हैं सीधा, देखते हैं कहीं ना कहीं से तो निकलेगा रास्ता। तो मैं डायरेक्ट आपको अंदर ही मिलता हूँ, या तो लाइट ऑन होने के बाद या उससे पहले भी मिल सकता हूँ। सो मिलते हैं प्रेम मंदिर के अंदर। सो गाइस जिस चीज़ के लिए मैं आया था, तो वो वे चीज़ मेरे सामने है, प्रेम मंदिर। ये देखो जी, बिना लाइट के भी इतना सुंदर लग रहा है, जब लाइट जलेगी तो कितना ही सुंदर लगेगा। हो रहा सामने बोर्ड प्रेम मंदिर का, तो अभी मैं पहले रोड क्रॉस कर लूँ। ये बैग की पर्ची है, मैंने बैग अपना रखवा दिया है,
क्योंकि बैग अलाउड है नहीं अंदर ले जाना। सो वहाँ से मेरे को रास्ता दिख गया, अब रास्ते से निकलते हैं जल्दी जल्दी और चलते हैं प्रेम मंदिर के अंदर। ओए होए 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 देखो जी, जैसे लाइट चलेगी तो और भी सुंदर लगेगा। तो गाइस एंट्री ले रहा हूँ और दोबारा से अपने चेहरे पर राधे राधे लिखवा लिया है। ऑलराइट सो गाइस, तो मैं अब आ चुका हूँ अंदर प्रेम मंदिर के। सो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। ओए होए 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 क्या नज़ारा है, और वो रहा सामने मंदिर, ये लो जी जूम करके दिखा देता हूँ। तो अभी आगे चलते हैं और काफी ज्यादा भीड़ है। ओह लाइन देखो गाइस वहाँ पे बहुत ज्यादा है। अभी द्वार खुली नहीं है मेरे ख्याल से, बंद है। ये देखो जी प्रेम मंदिर ले आता है ना क्या ले यार बहुत। तो मैंने अपने जूता अंदर दे दिया जूता घर में और मैं पसीना पसीना आ चुका हूँ। धूप बहुत तेज है और इसलिए जिसको भी आना होगा तो शाम के टाइम पे आए, और भीड़ बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, तो अब मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ मंदिर अंदर। पैर बहुत तेज जल रहे हैं। वो देखो सामने, मैं अलग से ऐड कर दूंगा क्लिप दूसरी बना के, पहले ऊपर चलते हैं। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बस जल्दी से अंधेरा हो और लाइट जले यहाँ। वाओ देख सकते हो आप पीछे। प्रेम मंदिर बहुत ज़्यादा भीड़ है, और अंदर जल्दी से दर्शन कर लेते हैं। सो गाइस जिसका मुझे इंतजार था वो चीज़ हो चुकी है, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। दर्शन मेरे टाइम बहुत टाइम पहले कर लिया था मैंने, कम से कम डेढ़ घंटे पहले, और अब फिलहाल लाइट चल चुकी है यहाँ पे। और एक डेढ़ घंटा मैं इसीलिए बैठा था सिर्फ और सिर्फ लाइट देखने के लिए कि लाइट में लिटरेली फंबल हो रहा हूँ। लिटरेली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा वाओ, एकदम क्या बोलूँ अंदर से बहुत कुछ है, बट यहाँ तक आ रहा है बोल नहीं पा रहा है। ये देखो ओए होए 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 जी बोलिए। भाई साहब बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, बहुत ही सुंदर। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके जाना, और एक लाइक तो बनता है इस खूबसूरती के लिए।